हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज है 12 फरवरी 2024, मंडे का दिन है। आई होप सभी लोग काफ़ी एनर्जेटिक होंगे और इस क्लास को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे। इस क्लास में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो आपको कवर करेंगे विथ मैप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स एंड ऑल। तो इसको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा और अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। आइए आज का पहला न्यूज़ है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल जो है वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, विविधता का अमृत महोत्सव जिसको हम लोग कहते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये 4 दिन का ये अमृत महोत्सव है, उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे मनाया जा रहा है और यहाँ पे इसका उद्घाटन जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। जिस तरह से आदि महोत्सव याद आ रहा है, आदि महोत्सव हम लोगों ने कवर किया था, उसका भी इनॉग्रेशन जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन यहाँ पे इनके द्वारा किया गया। विविधता का अमृत महोत्सव ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, पूर्वोत्तर वाले हिस्सा में इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये इवेंट जो है, ठीक है, जो जितने भी अमृत महोत्सव वगैरह होते हैं वो भारत की संस्कृति को उजागर करते हैं। किस राज्य में किस तरह से किस तरह की संस्कृति है उसके बारे में वहाँ पे दर्शाया जाता है इस महोत्सव में, ठीक है। तो जितने भी हस्तशिल्प होते हैं या कृषि उत्पाद होता है या हथकरघा होता है या जो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी उस पार्टिकुलर राज्य के जीआई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेसिकली यहाँ पर इस इवेंट्स में, इस महोत्सव में दिखाया जाता है, शोकेस किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये बेसिकली संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बेसिकली उनके सहयोग से उसके सहयोग से जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उनके साथ ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है और एक तरह से ये सांस्कृतिक उत्सव के रूप में इसको कार्य करता है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह का जो भी इवेंट्स होते हैं वो बेसिकली भारत की संस्कृति को उजागर करता है, भारत की संस्कृति से रिलेटेड सारी चीज़ों को दर्शाता है। उस पार्टिकुलर राज्य में जो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है और जीआई प्रोडक्ट्स हैं, जीआई प्रोडक्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको कहते हैं। चलिए मुझे बताइएगा कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के में कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग आपको बताना है, प्रोडक्ट्स का नाम बताना है, ठीक है, आपके राज्य के कि कौन कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, वो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के को लेकर के बात कही जा रही है। देख सकते हैं इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में और उसका रिजल्ट आ गया है, देख सकते हैं। जेल में रहते हुए भी यहाँ पे ये पार्टी जीत गई है, किसके बारे में बात कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ पे स्पष्ट रूप से विजेता यहाँ पे बन गए हैं। 2024 का पार्टी का चुनाव का रिजल्ट आ गया है। और लेकिन अगर बात करें बढ़ोतरी की तो शरीफ जी आप देख सकते हैं, कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम सीट्स जो है वो यहाँ पे इमरान खान के पास आप देख सकते हैं। तो अभी शरीफ की देखिए शरीफ जी की जो पार्टी है PLMN, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स जीती गई है, मतलब उनके पास आई है अधिक सीटें जीती गई। लेकिन खान जो इमरान खान की जो पार्टी है, ठीक है, PTI, उसके समर्थन में भी मैक्सिमम सीट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए, स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो कोई भी विजेता नहीं है, लेकिन अभी जो है अधिकांश सीट आप देख सकते हैं शरीफ के पास से पार्टी है। शरीफ यहाँ पे आप देख सकते हैं शरीफ सरकार बनाने के लिए भुट्टो दलधारी को PPP के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं। देखिए मेजोरिटी की बात होती है ना, मेजोरिटी अभी किसी के पास नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स आप देख सकते हैं वो शरीफ के पास आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट यानी जिसको कहते हैं गठबंधन की सरकार, ठीक है, गठबंधन की सरकार, तो शरीफ
साहब जो है वो अपनी पार्टी के साथ जो है भुट्टो जरदारी जो की जो पार्टी है पीपीपी उसके साथ मिलकर के सरकार बनाने को लेकर के है, क्योंकि अभी तक क्लियर मेजोरिटी किसी के पास नहीं है, बहुमत नहीं है, उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, देख सकते हैं ये पाकिस्तान का मैप है। देख सकते हैं ये पूरा एरिया पाकिस्तान का है। यहाँ पे आपको बताया था सीपीईसी, याद आ रहा है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यहाँ से चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि ये ट्रेड जो है चाइना और पाकिस्तान के बीच में हो सके, लेकिन बीच में आपका पीओके वाला हिस्सा भी आ जाए, जिसकी वजह से ये अभी कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हैं चाइना जो है, चाइना को पाकिस्तान आने के लिए पूरा यहाँ से घूम करके साउथ चाइना से हिंद महासागर होकर के फिर यहाँ पे जा करके यहाँ ऐसे आना पड़ता है अरब सागर से। तो इतना लंबा रूट तय करके ट्रेड करता है चाइना पाकिस्तान से, लेकिन अगर ये वाला रास्ता बन गया, अब देख सकते हैं कितना आसान हो जाएगा चाइना के लिए यहाँ से यहाँ तक आने में। तो वही चीज़ है, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। चलिए मुझे बताइएगा, ईरान के देश में, ईरान कंट्री में हमारा एक पोर्ट डेवलप हो रहा है, वो किस लोकेशन पर डेवलप है वो आपको बताना है। ठीक है, पोर्ट बंदरगाह इस्लामाबाद, यहाँ पे इसका कैपिटल है लाहौर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सिंध का एरिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बलूचिस्तान यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इस्लामाबाद आप यहाँ देख सकते हैं, पेशावर यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, उर्दू बेसिकली यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी है, याद रखिएगा। वैसे तो यहाँ पे मिलिट्री शासन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, भारत यहाँ पे बाउंड्री शेयर कर रहा है, और यहीं पे आपका है करतारपुर कॉरिडोर, पढ़ाया था ना आप लोगों को करतारपुर कॉरिडोर। अगला न्यूज जो है, नरेंद्र कुमार यादव एक आईआरएस है, ठीक है, ये आईआरएस है, ठीक है, रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर, और ये पहले सिविल सर्वेंट है जिन्हों को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे घोषित किया गया, फिट इंडिया मूवमेंट का। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, यहाँ पे इनको बेसिकली फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है, और ये फिटनेस ट्रेनर और पोषण विशेषज्ञ है, ये बेसिकली एक न्यूट्रिशनिस्ट है, फिटनेस ट्रेनर है जो सर्टिफाइड करता है बेसिकली यादव जी को फिटनेस को लेकर के। ठीक है, इनका जो न्यू रोल है ये बेसिकली मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं लोगों तक स्वास्थ्य को लेकर के, फिटनेस को लेकर के पूरे देश भर में, और इसको प्रायोरिटी रखने की बात इनके द्वारा कही जा रही है कि आप जितना ज़्यादा फिजिकल फिट रहेंगे उतना ही आपका मेंटली फिट भी आप रहे बनिएगा। तो प्राथमिकता यहाँ पे इनके द्वारा मैसेज के थ्रू डिलीवर करने की बात कही जा रही है कि अपने ऊपर सबसे पहले फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की बात कही जा रही है, और फिजिकल हेल्थ जब अच्छा रहेगा तो अपनी से बात से मेंटल हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिट इंडिया मूवमेंट में जो नरेंद्र कुमार यादव है उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, उनको यहाँ पे बेसिकली न्यू ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नामित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, यहाँ पे ये न्यूज आप देख सकते हैं, ये न्यूज जो है बेसिकली रिलेटेड है एमएसएमई फिशरीज को लेकर के। एमएसएमई के द्वारा एक स्कीम यहाँ पे मंजूरी दी गई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे बेसिकली इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि जो मत्स्य पालन है, जो मत्स्य किसान है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना ये लागू किया गया है, इसको अप्रूव कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है मत्स्य पालन में। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि इसको डेवलप करने की बात कही जा रही है, कि मत्स्य पालन और एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, एक्वा कल्चर यानी पानी से संबंधित जो भी सांस्कृतिक चीजें हैं, जो पानी से संबंधित, पानी में जितने भी जीव जंतु हैं उनको किस तरह से और अच्छे से उनको डेवलप किया जा सके, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से हम और अच्छे से डेवलप कर सके, उनको उनकी स्पेसिस को किस तरह से हम कंजर्व कर सके, ठीक है, मत्स्य को किस तरह से पालित कर सके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप करने की बात कही जा रही है इस योजना के तहत। ठीक है, मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये प्रधानमंत्री
के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे इसको अगले 3 साल तक और बढ़ा दिया गया। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरिम बजट में इसके इसको लेकर के घोषित किया गया था, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है ये स्कीम जो था बेसिकली इसी वर्ष तक था, लेकिन इसको 3 साल तक और बढ़ा दिया गया है। 2023 तक था, 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया, और इसमें 7,522 करोड़ रुपये और यहाँ पे बेसिकली फंड साइज था बेसिकली इसका, लेकिन इसको और सपोर्ट किया गया 939 करोड़ से, ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी रुकावट ना आ पाए। तो 7,522 करोड़ के फंड आकार और 939 करोड़ के बजट समर्थन के साथ 3 साल के लिए इसको और बढ़ा दिया गया। एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि हम और क्या कर सके, और हम प्रोत्साहित कर सके जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसको, आप और इनकरेज कर सके ताकि मत्स्य की जो मत्स्य पालन का जो ढांचा है उसको और विकास में डेवलप कर सके। उसका उद्देश्य यही है कि हम एक तरह से मत्स्य पालन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको हम लोग कर सके, और एक तरह से कोई भी तरह का जो वित्तीय साधन हो उसको उसका ये खास करके फायदा उठा सके, तो हम उसको और अच्छे से डेवलप कर सके ताकि उनके उनको बहुत अच्छे से हम कंजर्व कर सकें। ठीक है, फिशरीज को, एक्वा कल्चर्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दी गई है, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, फंड साइज 7,522 करोड़ है, लेकिन इसको 939 करोड़ रुपए से और सपोर्ट यहाँ पे किया गया। ये तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कहीं ना कहीं आप लोग इसी ऑर्गेनाइजेशंस को एम रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पे कारगिल में एक एग्जाम सेंटर को यहाँ पे डेडिकेट किया गया। कारगिल, कारगिल का है लद्दाख में, लद्दाख की दो डिस्ट्रिक्ट है, बताइएगा दो डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है। ठीक है, लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बताइएगा। एक सेकेंड, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम बताइएगा कौन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यूपीएससी में अब से क्या होगा, अब एक कारगिल में भी आप सेंटर देख सकते हैं, एग्जाम सेंटर। तो यहाँ पे इसको स्थापित किया गया, यहाँ पे बेसिकली जो यूपीएससी एस्पिरेंट थे उनके द्वारा यहाँ पे अपील की गई थी कि एक सेंटर कारगिल में भी होना चाहिए। ठीक है, तो आने वाला जो एग्जाम है जो मई में है, ठीक है, मई में जो है आगामी सिविल सेवा परीक्षा के लिए यहाँ पे कारगिल में भी सेंटर आपको देखने को मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा पहल है, एक बहुत अच्छा कदम है जो बेसिकली लिया जा रहा है। जो एस्पिरेंट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो इस रिमोट को, जो बेसिकली इस एग्ज़ाम को रिमोट एरिया से तैयारी करके देना चाहते हैं, तो उनके लिए जो भी लद्दाख में, जो भी नियर बाई में कारगिल के आसपास जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप्स यहाँ पे यूपीएससी ने लिया है उनके लिए, कि कहीं कि उनको कहीं और पूरी जगह पे मूव ना करना पड़े, उसको अपने एरिया में ही, अपने स्टेट में ही कहीं ना कहीं सेंटर देखने को मिलेगा जहाँ पे वो जाकर के पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो दूर दराज जाने का कोई भी जरूरत नहीं है, अपने ही क्षेत्र में उनको आने वाला जो उनका पेपर होने वाला है, आने वाला, तो आराम से उसको दे सके, और एक तरह से एक फेयर प्लेटफॉर्म उनके लिए भी होगा कि अपने ड्रीम को वो कहीं ना कहीं पूरा कर सकें, सिविल सेवा के अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए एक उचित मंच यहाँ पे प्रदान कर रहा है। तो याद रखिएगा यूपीएससी ने नया सेंटर यहाँ पे डेडिकेट किया है, कहाँ पे, कारगिल में। ठीक है, यूपीएससी की मैं बात करूँ, ये इसका वेबसाइट है upsc.gov.in। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक निकाय है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है ऑफिसर्स का। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम के तौर पर। ठीक है, यहाँ पे इसका संस्थापक कौन है, गवर्नमेंट। अच्छा, पहला इंडियन बताइए, चलिए इतिहास का क्वेश्चन पूछता हूँ, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई किया है,
फर्स्ट इंडियन जो इस पेपर को क्वालिफाई किया है और किस वर्ष किया था वो भी मुझे बताइएगा। हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, किस वर्ष किया था वो भी मुझे बताइएगा। तो 1926 यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ये पब्लिक सर्विस कमीशन है भारत का और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एग्जीक्यूटिव मनोज सैनी सोनी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ के चेयरपर्सन है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा मनोज सोनी। मुझे बताइएगा आप जिसका तैयारी कर रहे हैं जैसे बीपीएससी, तो बीपीएससी के चेयरमैन कौन है उनका नाम बताइएगा। देखते कितने लोग को पता है आपको पता होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड है। तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष है जो हेड है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये सॉइल इरोजन की बात यहाँ पे कही जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सॉइल इरोजन को लेकर के, तो उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इंडिया जो है वो पार्टनर किया है ताकि हम जो बाढ़ वगैरह का जो इशू है और जो इरोजन जो हो रहा है, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, तो उसके ऊपर इन्होंने साझेदारी की है ताकि इस तरह के चीज़ों से समाधान किया जा सके और इससे किस तरह से हम इसको बचा सके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यहाँ पे साइन किया गया है यहाँ पे इंडिया के द्वारा, ठीक है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एक प्राइवेट कंपनी है, याद रखिएगा प्राइवेट बैंक है, या इस बहुत से लोग सोचते हैं गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट बैंक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे $200 मिलियन यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है ऋण को लेकर के, समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पे किया गया। क्लाइमेट रेजिलेंट को लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी आप देख सकते हैं असम में आपको देखने को मिलेगा, असम में ये आपका प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे जो भी बाढ़ वगैरह देखने को मिलता है, जो भी मिट्टी का कटाव देखने को मिलता है, उसको लेकर के यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को मैनेज किया जा सके, उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया जा सके, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है, 1966 में इसको स्थापित किया गया था। और अगर मैं बात करूँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई बता सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर एनीवन हेडक्वार्टर कहाँ है इसका बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, फिलीपींस में। अब एग्जैक्ट जगह मुझे बता दीजिएगा कहाँ पे है, फिलीपींस में कहाँ पे है वो मुझे बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ ADB की बात करूँ, टोटल 68 देश है जो इसके साथ पार्टनर में है, ठीक है, मेंबर है इसके। और इसके प्रेसिडेंट, चलिए प्रेसिडेंट आप लोग बताइएगा, प्रेसिडेंट बताइए मुझे कौन है इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है, हिंट देता हूँ एम से स्टार्ट है। चलिए तो यही प्रोजेक्ट जो है वो टारगेट क्या करता है, इसका लक्ष्य क्या है कि हम जो रिवर बैंक है यानी नदी के किनारे का जैसे है उसको हम स्थिर कर सके, ठीक है, यहाँ पे प्रोसिल्टेशन को मेजर किया जा सके, ठीक है, और एक तरह से क्लाइमेट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उससे हम एक उस लेवल पे चीज़ें कर सके ताकि जो इरोजन्स है उस पे वो ज़्यादा ना हो पाए, ठीक है। तो 5-5 प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट जो है इस पे यहाँ पे वर्क किया जाएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे वाला जो बेसिकली हिस्सा है वहाँ पे ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया जाएगा, जिसके वजह से जलवायु में जो भी परिवर्तन आ रहा है उसको लेकर के यहाँ पे वर्क किया जाएगा ताकि जो इरोजन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है जो बाढ़ की वजह से तो वो उस पर कमी लाया जा सके, ठीक है। ये प्रोजेक्ट स्टेबलाइज करने की बात की जा रही है। $200 मिलियन का यहाँ पे लोन लिया गया, ठीक है, लोन एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है इंडिया और इस ADB के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ जो है वो बेसिकली संबंधित है आपका तेलंगाना से। तेलंगाना में यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेप लिया गया है। ये स्टेप जो है एक हेल्प डेस्क के रूप में है, ठीक है। चिकागो में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, अटैक हुआ था, अब यहाँ पे वो चीज़ों को लेकर के स्टूडेंट के लिए एक बेसिकली हेल्प डेस्क लॉन्च किया गया यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा,
मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, बताइएगा जरूर। तो शिकागो में चार लुटेरों के हमले के बाद हैदराबाद का एक छात्र सैयद मजहर अली गंभीर रूप से घायल हो गया था। देख सकते हैं आप, उसी को लेकर के ये बहुत बड़ा कदम गया। ये बेसिकली तेलंगाना से बिलोंग करता। चलिए ये आंसर मिल गया आप लोग। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया है कि एक तरह से हेल्प डेस्क वो यहाँ पे सेट कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ऑल यंग, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऑल यंग अमेरिक, ऑल यंग लिविंग इन द यूएस एंड अदर कंट्री स्पेशली स्टूडेंट टू इंश्योर ऑल देयर नीड्स आर मीट। मतलब जो भी स्टूडेंट जो है, जो भी यूथ जो है, जो यूएस में रह रहे हैं या कोई भी देश में रह रहे, भारत के बाहर किसी भी देश में रह रहे हैं, खास करके स्टूडेंट जो हैं, उनको हर तरह की जरूरत को पूरा करने के लिए ये हेल्प डेस्क यहाँ पे लॉन्च किया गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो रेड्डी थे वो बेसिकली जो हादसा हुआ था चिकागो में, जो अटैक हुआ था वो, उसमें बेसिकली उनकी डेथ हो गई थी। चिनचिनाटी ओहियो, ओहियो एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, याद रखिएगा। तो वहां पे बेसिकली इसको उनकी मृत्यु पाए गए थे। तो उसी चीज को रोकने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये कदम उठाए गए हैं हेल्प डेस्क के रूप में। तेलंगाना आप यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ को यहाँ पे टच कर रहा है, महाराष्ट्र को टच कर रहा है, कर्नाटका को टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तेलंगाना का एक 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 मैं बात करूं, तेलंगाना का एक क्या, अच्छा मुझे बताइएगा, नोट्स आप लोगों ने देखे हैं ना, हर तरह के नोट्स देखे हैं, तो 20 रुपए नोट में किस चीज का पिक्चर है, ठीक है, 20 रुपए के नोट में, 50 रुपए के नोट में आप पते बताइएगा किस चीज का पिक्चर है, ठीक है, 100 रुपए नोट के पीछे बताइएगा किस चीज का पिक्चर है, 200 रुपए नोट के पीछे बताइएगा किस चीज का पिक्चर है, ठीक है, और 500 रुपए के नोट के पीछे बताइएगा किस चीज का पिक्चर लगा हुआ है। देखते हैं कितने लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसका कैपिटल जो है वो हैदराबाद है, ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है ना, हैदराबाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री, अभी हम लोग डिस्कस किए। तमिल साई साउंड राजन जो है वो यहाँ के राज्यपाल है, तमिल साई साउंड राजन याद रखिएगा, ठीक है। 2014 में इसका स्थापना हुआ था, आंध्र प्रदेश से इसको अलग करके निकाला गया था तेलुगु लोगों के लिए, 33 डिस्ट्रिक्ट है टोटल इसमें, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बताइए ये भी यहाँ देख सकते हैं, ईपीग्राफी म्यूजियम यहाँ पे, उसी से रिलेटेड न्यूज है, श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो संस्कृति मंत्री ने डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ ईपीग्राफी, ईपीग्राफी, ईपीग्राफी क्या होता है, एनी वन, ईपीग्राफी क्या होता है वो मुझे बताइए, ईपीग्राफी किससे संबंधित है। तो मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में, हैदराबाद कहाँ पे अभी दिखाया था आप लोग को, ये देखिए इस जगह पे, ये हैदराबाद, ये वाला लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हैदराबाद में बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, संस्कृति मंत्री के द्वारा, ठीक है। और बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि ये एक म्यूजियम है, सलारगंज म्यूजियम में, जो कि हैदराबाद, हैदराबाद में है, यहाँ पे 1 लाख एंशियंट राइटिंग को रखा गया है, कंजर्व करके रखा गया है, एंशियंट राइटिंग, ठीक है। एंशियंट राइटिंग क्या होता है, देखिए ईपीग्राफी क्या होता है ना, जैसे पुराने टाइम पे आप देखे होंगे बहुत सारी चीजें, जैसे जो भी एंशियंट चीजें मिलती है तो बहुत सारी चीजों पे ना कलाकृति की हुई होती है, कलाकृति मतलब यानी लिखावट, लिखावट। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, पहले के टाइम पे स्टोन्स पे लोग लिखते थे, है ना, स्टोन्स पे पत्थर से निशान बना करके लिखते थे, या फिर पत्तों पे लिखते थे, है ना, याद है। तो ये सारी चीजें आप इतिहास में पढ़ते भी हैं, तो एक तरह से एंशियंट राइटिंग को, प्रिजर्व करना या स्टडी करना, ये बेसिकली इपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। जैसे
कोई भी पुराने चीजें, लकड़ी हो गई, लकड़ी के ऊपर लिखना, स्टोन के ऊपर लिखना, इंग्रेव करना, ठीक है, लिखावट जो है उसको कंजर्व किया गया है इस सलालजंग म्यूजियम में। ये लगभग 1 लाख ऐसी हैंडराइटिंग है जिसको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। ये संस्कृति मंत्री के द्वारा इसको इसकी स्थापना की गई है डिजिटल म्यूजियम में, और ये एक तरह से बहुत बड़ा स्टेप्स है भारत के लिए, ताकि एक तरह चीजें जो जो बेसिकली जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो पुराने टाइम पे लोगों के पास लोग किस तरह से अपनी चीजें करते थे। आज के डेट पे तो कॉपी पेन है ना, पहले के डेट पे तो लोग स्टोन्स पे, जितने भी ग्रेव्स है, आप जो भी एंशियंट मॉन्यूमेंट जाते हैं वहाँ पे भी आपको कलाकृति देखने को मिलती है उनकी दीवारों पर, है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ ज्ञानवापी मस्जिद हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, ज्ञानवापी मस्जिद का भी जो ASI के द्वारा वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे थे, तो वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो दीवारें हैं उस पे आपको शिवलिंग्स देखने को मिलेगा, ओम बना हुआ देखने को मिलेगा, स्वास्तिक बना हुआ देखने को मिलेगा। तो वो सारी कलाकृति कैसे की गई, वो सारी कलाकृति ही एक तरह से इपिग्राफी का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ शिलालेख परियोजना के भारत साझा भंडार के साथ इसको संरक्षित करता है, कंजर्व करता है इसको, प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्थापित किया गया। और एक तरह से रेड्डी के द्वारा यहाँ पे एक तरह से और जोर दिया गया कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट क्या है कि हमारी जो जो भी विरासत की संरक्षण है और जो भी सांस्कृतिक प्रचार है, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक तरह से क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है। हम बताएंगे लोगों को, जो भी जैसे आदि महोत्सव में क्या होता है, लोकल कल्चर जो होती है वो उजागर किया जाता है, ठीक। उसी तरह से एपिग्राफी ये म्यूजियम है, डिजिटल नेशनल म्यूजियम में जो हमारे पुराने टाइम पे जो चीज़ें होती थी, किस तरह से लोग रहते थे, किस तरह से अपनी कलाकृतियाँ जो थी, अपने थॉट जो थे, वो किस तरह से एक पिक्चर के फॉर्म पे, किसी भी स्टोन्स पे, किसी भी पत्थर पे, किसी भी लकड़ी पे वो कलाकृति करते थे, वो सारी चीज़ों को 1 लाख यहाँ पे एंशिएंट राइटिंग को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया। तो उसी से रिलेटेड यहाँ न्यूज़ है, याद रखिएगा। डिजिटल नेशनल म्यूजियम जो है वो कहाँ पे, सलालजंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में, उसी को यहाँ पे लॉन्च किया गया जी किशन रेड्डी के द्वारा। अगला यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरबस को लेकर के यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया गया। यहाँ पे इनको पहचानते हैं, इनको यहाँ पे इनका नाम बताइए, देखते हैं कितने लोग पहचानते हैं इनको, ठीक है। तो एयरबस S8220 का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के यहाँ पे इनके द्वारा अनावरण किया गया। एयरबस पार्टनर विथ डायनेमिक टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर ऑल डोज फॉर द सिंगल एस्ले A220 फैमिली एयरक्राफ्ट इन इंडिया। एयरबस ने यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है, कौन सा डिपार्टमेंट है इनके पास, बताइए जल्दी से कौन सा डिपार्टमेंट है इनके पास, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। तो ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि जो भी डोज होंगे A220 फैमिली एयरक्राफ्ट के, वो सारे के सारे कहाँ पर डेवलप होंगे, कहाँ पर डेवलप होंगे, वो सारे इंडिया में डेवलप होंगे, ठीक है, इंडिया में डेवलप होंगे। और ये जो सिविल एविएशन का जो डिपार्टमेंट है उसके ये मंत्री हैं, सिविल एविएशन के डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया पता होना चाहिए, हर मंत्रालय के मंत्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे पूरी तरह से अब क्या कर रही है, 750 मिलियन डॉलर से भारत निर्मित उत्पादों का निर्यात कर रही है, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी कंपनी जो है, एयरबस कंपनी जो है ऑलरेडी एक्सपोर्ट करती थी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को 750 मिलियन डॉलर का पहले से ही, अब इसको डबल करने की बात कही जा रही है। एक तरह से ये सारे स्टेप्स किस लिए लिए जा रहे हैं, अगर इसके डोर यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे तो ऑब्वियसली बात है जो कॉस्टिंग्स वगैरह आएगी तो वो कम रहेगी, और कम रहेगी तो कहीं ना कहीं एयर प्राइस में भी आपका कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जो एयरक्राफ्ट है वो फिर डेवलप भारत में होंगे। तो 8220 यहाँ पे पूरी तरह से फोकस कर रहा है डेवलप होने को लेकर के भारत में, और ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं उड़ान स्कीम के माध्यम से। उड़ान क्या कहता है, उड़े देश का आम नागरिक, इसका मतलब क्या हो गया, आम नागरिक तक चीजें अफोर्ड हो सके उस तरह से इस योजना पे फोकस करके ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है एयरबस के साथ डोर को लेकर के, तो एयरबस के द्वारा इसको अवार्ड दिया गया था, इंडियन सप्लायर के रूप में किसी भारतीय आपूर्तिकर्ता को दिया गया दरवाजों का दूसरा अनुबंध है, ठीक है। तो पार्टनर यहाँ पे हुआ है इंडिया, एयरबस पार्टनर यहाँ पे किया है। अब जितने भी डोज होंगे वो सारे मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में,
फैमिली एयरक्राफ्ट A220 का, जो कि एक एयरबस है याद रखिएगा, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ था। अगला न्यूज़ देख सकते हैं, NADA नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से रिलेटेड है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ठीक है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन सभी लोग का पहले टेस्ट होता है। अगर वो कहीं पे भी पार्ट ले रहे हैं, चाहे वो ओलंपिक्स हो, पैरालंपिक्स हो, या कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो, उन सभी लोग का टेस्ट होता है, ताकि वो किसी भी तरह का कोई भी इनटेक चीज़ें ना ले उनके बॉडी में, किसी भी तरह का कोई भी नहीं, कोई भी जो, अगर मैं बात करूं कि अनवांटेड मटेरियल, जैसे ड्रग्स वगैरह हो गया, उससे क्या होता है ना, ये एक तरह से क्या करता है, बॉडी को पे एनर्जेटिक एक्साइट करता है, बॉडी को और ज़्यादा एक्टिव बना देता है, जिसके वजह से एक तरह से रूल्स का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से आई है, ये डिपार्टमेंट उसी को फोकस करता है, ताकि जो फेयर तरीके से प्ले किया जा सके, क्लीन स्पोर्ट्स किया जा सके, और एंटी डोपिंग यहाँ पे इसका मेजबानी कर रहा है। नादा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया था क्लीन स्पोर्ट्स को लेकर के, किसी भी तरह का किसी भी तरह का कोई भी अनफेयर तरीका ना हो पेरिस ओलंपिक्स में, उसी को लेकर के ये नाडा के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, इवेंट को, कॉन्फ्रेंस को, एंटी डोपिंग को लेकर के इसको लीड अप किया गया था 2024 के लिए। यहाँ पे स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ पे है, गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषक पूरक परीक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। देख सकते हैं फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी यहाँ पे इनके द्वारा उद्घाटन किया गया गांधीनगर गुजरात में, न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट के लिए, न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट टेस्ट के लिए। ऑब्वियस बात है, कोई भी गेम होता है उसके पहले टेस्ट होता है, ठीक है, तो वही टेस्ट को सब स्पोर्ट्स पर्सन उस टेस्ट को से होकर के फिर क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो ठाकुर यहाँ पे क्या करता है, भारत के डोपिंग रोधी ढांचे को मजबूत करने में निष्पक्ष खेल अखंडता और नाडा की भूमिका के महत्व पर जोड़ देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होस्ट किया गया नाडा के द्वारा, क्लीन स्पोर्ट्स को लेकर के, एंटी डोपिंग को लेकर के। नाडा क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, ताकि जो खेल हो वो पूरी तरह से निष्पक्ष खेल हो, प्ले फेयर यहाँ पे खेला जा सके, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये। ठीक है, और ये बेसिकली इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है डोपिंग प्रोग्राम में। डोपिंग क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डोपिंग फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स, सेमीकंडक्टर पढ़ा है, उसमें डोपिंग किया जाता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, उसमें मिलाया जाता है जर्मेनियम, सिलिकन, ये सारे सेमीकंडक्टर के हिस्से हैं। तो ये वही चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इसकी स्थापना 2005 को की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट जो है वो यहाँ के चेयरपर्सन, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी याद रखिएगा। अगला यहाँ पे RBI से रिलेटेड न्यूज़ है, RBI यहाँ पे इन्फ्लेशन जो टारगेट कर रहा है 4% कह रहा है, उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है। ठीक है, ताकि इसको हम क्या कर सके, इसको बरकरार रखा जा सके। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है इसको बरकरार रखा जा सके, सतत आर्थिक विकास मेंटेन किया जा सके, मुद्रा स्फीति में 4% का जो यहाँ पे टारगेट किया गया है। ठीक है, शक्तिकांत दास जो थे उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य जो है हासिल करने पर इनके द्वारा जोर दिया गया है। और एक तरह से ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन अगर हम लोग बात करें, देखिए इन्फ्लेशन जो होता है उसका टारगेट 4 से 6% के बीच में रहने का होता है। ठीक है, तो अप्रैल दिसंबर 2023 के दौरान ये अगर हम लोग बात करें, 2022-23 में 6.7% से 5.5% हो गई थी। तो देख सकते हैं 2022-23 के दौर में 6.7% था, लेकिन 2023 में ये 5.5 आया, इसको टारगेट यहाँ पे 4% यहाँ पे करने पर जोर दिया जा रहा है, कि एनी हो इसको 4% पे लाना है। ठीक है, ताकि किस जो आम नागरिक है उस पर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर हम लोग बात करें फूड पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, ठीक है, महंगाई पे कंट्रोल किया जा सके, फूड प्राइस का जो दाम है उसको हम उसी अमाउंट पे रखा जा सके जिसपे नॉर्मल लोग जो है उसको अफोर्ड कर सके, उसमें किसी भी तरह का कोई भी किसी को प्रॉब्लम ना आ सके,
तो एक वॉलेटिलिटी का सोर्स है इन्फ्लेशन में लेकर के। तो यही इसी को अचीव करने के लिए जो बोला गया कि जब ये 6.7 से 5.5 पे आ गया है तो अब लगभग 1% घट गया, तो इसको 4 पे लाने में क्या प्रॉब्लम है, इसको 4 पे लाने को लेकर के ये हमारे टारगेट है इसको 4 पे लाने के लिए। वैसे ही मेरे जनरली इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4 से 6% के बीच में रहता है, तभी आप देख सकते हैं 5.5% है, तो एक अकॉर्डिंग इसके बीच में ही है। ठीक है, ये शक्ति का अंदाज के द्वारा ये बात कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज यहाँ पे, ये इनको बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, ये तेलंगाना को लीड करने वाले, ठीक है, क्रिस गेल है ये। ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ आईपीएल की, मैं बात करूँ तो बताइए मुझे किस टीम से खेलते हैं, किस टीम से आईपीएल में खेलते थे वो बताइएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देख सकते होंगे यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो बता सकते हैं कौन से टीम के साथ खेलते थे, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। आरसीबी, अब तो बता दीजिए, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। तो क्रिस गेल यहाँ पे लीड करेंगे तेलंगाना टाइगर को आईवीपीएल में। ठीक है, आईवीपीएल में यहाँ पे लीड करेंगे क्रिस गेल। उसी से रिलेटेड न्यूज है, एक लेजेंडरी वेस्ट इंडियन बैटर है, वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं, और ये बेसिकली तेलंगाना टाइगर को यहाँ पे इंडियन वेटनर प्रीमियर लीग में लीड करेंगे आगामी जो एडिशन होने वाला है। ठीक है, और ये हेल्ड जो होगा वो 23 फरवरी से 3 मार्च के बीच में खेला जाएगा आईवीपीएल। ठीक है, इंडियन वेटनर प्रीमियर लीग वो 23 फरवरी से 3 मार्च तक खेला जाएगा, और ये कहाँ खेला जाएगा, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कहाँ पे ये देहरादून में। ठीक है, तो वहीं पे इसका आयोजन होगा, और आईवीपीएल को में जो तेलंगाना की टाइगर टीम है उसको यहाँ पे लीड करेंगे क्रिस गेल। ठीक है, इन्होंने अपने टूर्नामेंट का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे साझा करेंगे, और किस तरह से और अपने आप को बेहतर बनाया जा सके अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से ये गाइड करेंगे यूथ को, नए प्लेयर्स को, और एक तरह से एक क्राउड का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा इनके लिए। ठीक है, उसी से रिलेटेड याद रखिएगा, देहरादून में ये होने जा रहा है 23 फरवरी से 3 मार्च के बीच में आईवीपीएल इंडियन वेटनर प्रीमियर लीग। और अभी आप देख सकते हैं अप्रैल मई से फिर आईपीएल आपका भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी अभी इसके बाद फिर आईपीएल का भी दौर आएगा। ठीक है, तो ये था पूरा आज का न्यूज़ एनालिसिस, आई होप सारे न्यूज़ आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए बाकी लोगों तक, ताकि वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सके और सारी चीज़ें कवर कर सके। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।